आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना तो देखो इसमें बोल रहा है कि एक स्टूडेंट ने कैंडल फ्लेम की इमेज लिया व्हाइट स्क्रीन पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हुए तो ठीक है हम ये ड्रॉ कर देते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस ये रीज के प्रिंसिपल एक्सेस तो हम सोच लेते हैं इस पॉइंट से मेजर किया उसने तो उसने बोला पोजीशन ऑफ कैंडल है ट्वेल्व सेंटीमीटर पे तो ये हमने कैंडल पोजीशन कर दी ये डिस्टेंस उसने सेंटीमीटर बोला पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज फिफ्टी सेंटीमीटर ठीक है और पोजीशन ऑफ स्क्रीन जहां पे इमेज ऑप्टेन हो रही है वो उसने बोल दिया एट्टी एट सेंटीमीटर ठीक है तो जो पहले हमको वी निकालना है वो तो हो गया एट्टी एट माइनस फिफ्टी जो कि वी हो गया हमारा थर्टी एट सेंटीमीटर ठीक है और जो u है वो हो गया 50 माइनस ट्वेल्व तो वो हो गया हमारा u हो गया हमारा 38 सेंटीमीटर अब u हमारा लेफ्ट साइड है तो कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से हम u लेंगे माइनस थर्टी सेंटीमीटर तो पहला पार्ट बोल रहा है हमको कि हम लेंस की फोकल लेंथ बताएं तो अब हम हमको पता है मिरर फॉर्मूला से वन बाय माइनस वन बाय वन एफ के बराबर होता है अब हमें वन बाय निकालना और U, है और एट ठीक है तो ये हो गया टू बाई थर्टी एट तो हमारा एफ आ गया नाइनटीन सेंटीमीटर ठीक है ये तो हमने कर दिया पहला पार्ट सॉल्व दूसरा बोल रहा है इमेज का फॉर्म होगी जब हम अपना नया ऑब्जेक्ट जो है वो थर्टी वन सेंटीमीटर पे शिफ्ट कर देंगे ठीक है अभी थर्टी वन सेंटीमीटर है तो अब जो यू डैश होगा वो होगा फिफ्टी माइनस थर्टी वन जो कि होता है 19, तो यू डैश हो गया हमारा माइनस नाइनटीन सेंटीमीटर तो अब जो इमेज फॉर्म होगी जब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे तो मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट इज एट फोकस तो ये तो हमारी इमेज इसका मतलब इमेज विल बी एट इंफिनिटी ये तो एक सिंपल केस होता है एक स्पेशल केस होता है ये कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो तो हमारे इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है वरना हम लेंस फार्मूला से बता भी सकते हैं हमें फाइंड करना होता है है तो हो गया जीरो तो मतलब वी हो गया हमारा इन्फिनिटी ठीक है और अगला पार्ट बोल रहा है कि वट विल बी द नेचर ऑफ इमेज इफ इफ फर्दर शिफ्ट इमेज तो अभी फोकस पे रखा है और फोकस और पोल के बीच में जब इमेज फॉर्म होते ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज हमारी वर्चुअल बनती है और एनलार्ज और इरेक्ट भी ठीक है अब इसमें बोल रहा है हम रे डायग्राम बना के इसको जस्टिफाई करें तो बस कर देंगे हम अगर रे डायग्राम बनाएंगे तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस ये फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड का फोकस या रेडियस ऑफ कर्वेचर अब मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा तो एक पहली रे जो पैरेलल गई वो फोकस से फोकस से पास होते हुए जाएगी ठीक है और एक रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी अब यहाँ तो रेज डाइवर्ज कर रही हैं तो मतलब कभी मीट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये बैक साइड मीट करेंगे तो देखो ये यह हमारा यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बन रही है तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ होप आपको कोई दिक्कत ना हुई हो ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर